Welcome to DG English Hub channel, dear students. In this video, I will discuss the important MCQs of the poem My Mother. The poem is written by Dr. APJ Abdul Kalam. Poem ko maine teen hisson mein baata hai. Isi ke aadhar par hum MCQs discuss karenge. First question hai, as the poet thinks of his mother, several places of his childhood days flash across his mind. Which of these images the poet does not recall? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको वो नाम चुनना है जिसके बारे में पोएम में जिक्र नहीं है. और ऑप्शंस है ए गोल्डन सैंड ऑफ रामेश्वरम, बी रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, सी गोल्डन मॉस्क स्ट्रीट एंड डी सी वेव्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए शुरू के लाइंस में ही आपको दिख रहे हैं. वहाँ मेंशन्ड है सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट. तो इन चारों में से जिसके बारे में जिक्र नहीं है वो है यस सी गोल्डन मॉस्क स्ट्रीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोएट हैव टू वॉक सो मच अर्ली इन द मॉर्निंग? उन्हें इतना चलकर कहाँ जाना पड़ता था? ऑप्शन ए टू मीट हिज मदर, ऑप्शन बी टू विजिट रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ऑप्शन सी टू टेक लेसन्स फ्रॉम अ सेंटली टीचर नियर द टेम्पल, और ऑप्शन डी टू मीट द पिलग्रिम्स एट द टेम्पल. तो ये आंसर होगा टू टेक लेसन्स From a saintly teacher near the temple. यदि आप इस लाइन के बाद वाली लाइन को देखेंगे तो आपको उसमें दिख रहा है miles to walk, hours before sunrise, walking to take lessons from the saintly teacher near the temple. Question 3. Which word is the opposite of collect? अब ये वर्ड पोएम में कहाँ मौजूद है देखते हैं. Collect, distribute newspapers to temple city citizens. तो इस लाइन में ये वर्ड है कलेक्ट और इसके ऑपोजिट को हमें आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शंस आर चैलेंज, टॉयल, मर्ज, डिस्ट्रीब्यूट. तो आपने आंसर गेस किया होगा. आंसर है ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूट. कलेक्ट यानी जमा करना और डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना या वितरण करना. क्वेश्चन 4. आई रिमेंबर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वॉज चैलेंज एंड टॉयल. अब लाइफ वॉज चैलेंज एंड टॉयल ये शब्द अंडरलाइंड है और क्वेश्चन है द अंडरलाइंड वर्ड्स कैन बी रिप्लेस्ड विथ. रिप्लेस्ड यानी उसके स्थान पर हम कौन सा वाक्य लगा सकते हैं, ऐसा वाक्य जिससे उसका अर्थ ना बदले. ऑप्शंस हैं लाइफ वॉज फुल ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर यानी रोमांच. ऑप्शन बी Life was full of struggle and hard work. Option C. Life was full of trials and poverty. Poverty yani garibi. And option D. Life was full of poverty and pain. तो ये options काफ़ी मिलते जुलते हैं लेकिन आपको देखना है कि सबसे नज़दीक इसका अर्थ किसके साथ आ रहा है. Challenge यानि चुनौतियों से भरा हुआ और toil यानि मेहनत. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क. क्वेश्चन 5. माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज. ये लाइन हमने पढ़ा. व्हाई डिड द पोएट वेक अप अर्ली बिफोर सनराइज एवरी डे. सनराइज यानी सूर्योदय. तो सूर्योदय से पहले हर दिन वो क्यों उठते थे. ऑप्शंस हैं To take lessons from a saintly teacher near the temple. Option B. To attend classes in the Arab teaching school. Option C. To collect and distribute newspapers. And option D. All of the above. यानी उपरोक्त सभी. तो इस सवाल में ये पूछा गया है कि poet जल्दी क्यों उठते थे. तो इसमें सिर्फ ये कारण नहीं था कि वो मंदिर में जाएंगे पढ़ाई करने, सारी चीज़ें उन्हें एक के बाद एक करनी थी. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑल द अबव. वो टेंपल जाते थे वहाँ पुरोहित से पढ़ने,
फिर वो जाते थे अरब टीचिंग स्कूल क्लासेस करने, और फिर वो जाते थे रेलवे स्टेशन रोड पर अखबार लेने और फिर वहाँ के लोगों में बांटने। क्वेश्चन 6, द पोएट हैड टू क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड टू कलेक्ट न्यूज़पेपर्स, टू कलेक्ट क्लोथ्स, टू कलेक्ट बुक्स या टू कलेक्ट मनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलेक्ट न्यूज़पेपर्स, अखबार लेने। अब आ जाते हैं पोएम के सेकेंड हिस्से पे। तो ये थे लाइन्स। अब पहला क्वेश्चन इस एक्सट्रैक्ट से, इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, ये लाइन यहाँ मौजूद है। द लाइन इंडिकेट्स डैट, ये लाइन क्या दर्शाता है, इंडिकेट यानी दर्शाना। कलाम लव्ड टू अर्न मनी एट अ यंग एज, कम उम्र में ही वो पैसे कमाना पसंद करते थे। कलाम हैड टू वर्क एज वेल एज स्टडी, वर्क भी करना और स्टडी भी करना होता था टू सपोर्ट हिज फैमिली। कलाम लव्ड टू डू बिजनेस बिफोर सिटिंग डाउन टू स्टडी, पढ़ने से पहले उन्हें बिजनेस करना पसंद था। या ऑप्शन डी, कलाम स्टडीड ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम, वो केवल रात को ही पढ़ाई करते थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, कलाम हैड टू वर्क हार्ड, उन्हें मेहनत करना होता था क्योंकि उन्हें अपना परिवार भी चलाना था और पढ़ाई भी करना था। क्वेश्चन 8, द पेन्स ऑफ द पोएट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू, ऑप्शन ए सॉरो, ऑप्शन बी जॉय, ऑप्शन सी पायस स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी वीकनेस। तो पहले हम देखते हैं कि ये शब्द कहाँ मौजूद है एक्सट्रैक्ट में। तो आप देखिए, ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इंटू पायस स्ट्रेंथ। तो इसका राइट आंसर होगा पायस स्ट्रेंथ। कलाम के माँ की भक्ति उनके पेन या दर्द को ताकत में परिवर्तित कर देती थी। क्वेश्चन 9, विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 times, तो पोएम में ये नीलिंग एंड बोइंग 5 times क्या दर्शाता है। नंबर ए प्रेइंग, नंबर बी वर्किंग, नंबर सी सिटिंग, नंबर डी बेगिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेइंग। क्वेश्चन 10, यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ हुएवर नीडेड द मोस्ट, यहाँ पे कलाम अपनी माँ के बारे में कह रहे हैं। सो द अबव लाइन टेल्स अस दैट कलाम्स मदर वॉज, वो कैसी थी, रिलीजियस, हेल्पफुल, अंडरस्टैंडिंग, टेंडर। तो यहाँ स्टूडेंट्स जब शेयरिंग की बात आ रही है तो आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि उनकी माँ ज़रूर बहुत हेल्पफुल रही होंगी, इसलिए वो अपना सर्वोच्च जो है वो शेयर करती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आउट ऑफ ऑल हेल्पफुल। क्वेश्चन 11, यू ऑलवेज गेव एंड गेव विथ फेथ इन हिम, हियर हिम स्टैंड्स फॉर। तो एच आई एम हिम जो प्रोनाउन है या सर्वनाम है वो किसके लिए है, ऑप्शन ए कलाम्स एल्डर ब्रदर, ऑप्शन बी कलाम्स फादर, ऑप्शन सी गॉड या ऑप्शन डी द सेंटली टीचर। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हिम हिज ये सारे प्रोनाउन यदि पहला अक्षर कैपिटल में दिखे तो वो कहीं ना कहीं ऑलमाइटी या परमेश्वर को दर्शा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी गॉड। क्वेश्चन 12, चूज द ऑड पेयर, ऑड यानी कि जो अलग है और जो सही नहीं है। पेयर्स हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, पायस पाइटी, वॉक वॉकिंग, फेथफुल फेथ। अब इन चारों जोड़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो हर जोड़े में पहला जो वर्ड है स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, वो एक विशेषण है, और स्ट्रेंथ हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। तो ये पेयर है एक एडजेक्टिव और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो इनमें से जो सही नहीं है वो होगा ऑप्शन सी, वॉक एक वर्ब है और वॉकिंग उसका आईएनजी फॉर्म है। अब देखते हैं पोएम के अंतिम हिस्से को। क्वेश्चन 13,
all the pain of a young boy. Which pain is the poet talking about? Option A, the pain of going to school. Option B, the pain of leading a difficult life. Option C, the pain of learning Arab. Yeah, option D, the pain of being envied by his brother. Yes, option B, the pain of leading a difficult life. Question 14. When does the child say that he would meet his mother again? Option A, when he would return to Rameshwaram. Option B, few hours before sunrise. Option C, on the great judgment day. And option D, on a full moon night. तो माँ से मिलने की बात कलाम कब करते हैं? यदि आप देखें पोएम के अंतिम भाग में, we will meet again on the great judgment day. तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑन द ग्रेट जजमेंट डे. क्वेश्चन 15. स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. बच्चों एनवी यानी ईर्ष्या. तो दे वर एनवियस बिकॉज, आखिर उनके भाई बहन उनसे ईर्ष्या क्यों करते थे? ऑप्शंस हैं, दे वर टू बिग टू स्लीप ऑन हर लैप. Their mother shared her best with young Kalam. Kalam used to get extra attention, love and care from his mother. Yeah, option D, they could not get up early and go to school. तो इसका right answer होगा option C. Kalam को उसकी माँ से जो अधिक प्यार या ध्यान या केयर मिलता था, वो देकर उसके भाई बहन उससे ईर्ष्या करते थे, एनवी महसूस करते थे. क्वेश्चन नंबर 16. द पोएट हैज़ ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड सम पर्सनल क्वालिटीज ऑफ हिज मदर. चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स देम बेस्ट. ए लविंग केयरिंग, बी लविंग केयरिंग एनवियस, सी लविंग हेल्पफुल रिलीजियस, या डी केयरिंग चैलेंजिंग फियरफुल. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. उनकी माँ लविंग थी, हेल्पफुल थी और रिलीजियस थी. क्वेश्चन 17. द पोएट रिकॉल्स अ फुल मून नाइट. पोएम में पोएट एक चांदनी रात के बारे में याद करते हैं. हाउ ओल्ड वॉज ही एट दैट टाइम? 10 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड, 11 ईयर्स ओल्ड या 9 ईयर्स ओल्ड? और राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 10 ईयर्स ओल्ड. क्वेश्चन 18. विच लाइन रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स लॉन्गिंग टू सी हिज मदर अगेन? ऑप्शन ए यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड माई मदर. ऑप्शन बी वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे. ऑप्शन सी आई स्टिल रिमेंबर द डे वेन आई वॉज 10. ऑप्शन डी इट वॉज फुल मून नाइट, माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू. तो इन चारों ऑप्शंस में से जो लाइन हमें बता रहा है पोएम का, कि पोएट जानते हैं कि उनकी माँ अब नहीं है पर वो उनसे मिलने की चाह रखते हैं, तो वो है ऑप्शन बी, वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे. क्वेश्चन 19. द पोएट सेज दैट हिज मदर्स लव केयर एंड फेथ गेव हिम नंबर ए एनवी, बी पेन, सी स्ट्रेंथ, डी फियर. अब लव केयर एंड फेथ ये तीन बातें कहाँ लिखी हैं पोएम में? योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी, कौन सा शब्द है? स्ट्रेंथ. तो उनकी माँ के लव केयर के वजह से उन्हें क्या मिला था? स्ट्रेंथ या ताकत. इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी स्ट्रेंथ. ओके, और लास्ट क्वेश्चन 20. द पोएम हाईलाइट्स द चाइल्डहुड डेज ऑफ, ये आसान सवाल है. इस पोएम में किसके बचपन के दिनों के बारे में बताया गया है? ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड सी सुब्रमण्य भारती. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. आंसर की दिए हुए हैं बच्चों. उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को समझकर बार बार अभ्यास करेंगे. केवल क्वेश्चंस को रटना ही एक उपाय नहीं है. इंग्लिश को समझना है और क्वेश्चंस को
समझकर आपको इसका अभ्यास करना है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं sharmashwets@gmail.com पर, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।